नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी को इंग्लिश लिटरेचर यानी बीएफ स्टेट के इंग्लिश लिटरेचर का आप सभी को मैंने फ्रेंड्स 9 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। इसमें फ्रेंड्स मेरा ये 10वां वीडियो है, यानी फ्रेंड्स आज मेरा ये इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर का लास्ट वीडियो, यानी फ्रेंड्स इस 10वें वीडियो में मैंने कंप्लीट पूरे इंग्लिश फर्स्ट पेपर को कंप्लीट कर दिया है। यानी फ्रेंड्स आज मेरा ये लास्ट वीडियो, आज मैं फ्रेंड्स इसमें टॉप मॉडल की 79 क्वेश्चन यानी फ्रेंड्स लेवल पर 80 क्वेश्चन आप सबको समझाने जा रहा हूँ, जो फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले फ्रेंड्स आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है यानी कि 501 नंबर क्वेश्चन है कि क्रॉमवेल वॉज पब्लिश्ड इन, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आप है 1843, सेकंड है 1844, थर्ड है 1845 एंड फोर्थ है 1846। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1844। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 502 नंबर क्वेश्चन है कि अलॉरिक एट रोम वॉज पब्लिश्ड इन, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1840, सेकंड है 1841, थर्ड है 1842 एंड फोर्थ है 1843। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1840। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 503 नंबर क्वेश्चन है कि द स्ट्रेयड रिवलर एंड अदर पोएम्स वॉज पब्लिश्ड इन, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1846, सेकंड है 1847, थर्ड है 1848 एंड फोर्थ है 1849। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1849। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एम्पीडोक्लस ऑन इटना एंड अदर्स पोएम वॉज पब्लिश्ड इन, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1850, सेकंड है 1851, थर्ड है 1852 एंड फोर्थ है 1853। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1852। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोहराब एंड रुस्तम वाज पब्लिश्ड इन, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1853, सेकंड है 1854, थर्ड है 1855 एंड फोर्थ है 1856। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1853। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोहराब एंड रुस्तम वाज रिटन बाय, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टेनिसन, सेकंड है मैथोनॉल्ड, थर्ड है जॉन कीट्स एंड फोर्थ है पीबी सेले। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैथो अर्नाल्ड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है? तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पोएम रिटन बाय अर्नाल्ड पब्लिश्ड इन, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1852, सेकंड है 1853, थर्ड है 1854 एंड फोर्थ है 1855। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1855। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैरोप एट्रेक डी वॉज पब्लिश्ड इन, यानी फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि मैरोप ए ट्रेगडी वॉज पब्लिश्ड इन, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1858, सेकंड है 1859, थर्ड है 1860 एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1858। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यू पोएम्स वॉज पब्लिश्ड इन, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1866, सेकंड है 1867, थर्ड है 1868 एंड फोर्थ है 1869। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1867। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 510 नंबर क्वेश्चन है यानी 510, 511 एंड 512 और 513। तो फ्रेंड्स 510 नंबर क्वेश्चन है कि हु रॉट इन थेरेसिस, फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टेंशन, सेकंड है व्हाट फॉर, थर्ड है नॉट एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी यानी कि और नॉट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि थेरेसिस वॉज पब्लिश्ड इन, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1866, सेकंड है 1867, थर्ड है 1868 एंड फोर्थ है 1869। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1867। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑन ट्रांसलेटिंग होमर वॉज पब्लिश्ड इन, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1861, सेकंड है 1862, थर्ड है 1863 एंड फोर्थ है 1864। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1861। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर वॉल पब्लिश्ड इन, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1865, सेकंड है 1866, थर्ड है 1867 एंड फोर्थ है 1868। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1867। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एसे इन क्रिटिज्म वॉज रिटन इन, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1709, सेकंड है 1884, थर्ड है 1885, थर्ड एंड फोर्थ है 1886। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1709। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ही द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट ऑफ इंग्लैंड और प्रहेस मॉडर्न यूरोप हैज प्रोड्यूस्ड, हु हैज सेड दिस अबाउट शेली, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कैजामैन, सेकंड है अर्नॉल्ड, थर्ड है वर्ड्सवर्थ एंड फोर्थ है कीट्स। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कैजामैन।
इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग और दोज दैट टेल टू सैडेस्ट थॉट दिस दिस लाइन्स ऑफ कोर्स इन इस फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट टाइम है टू स्काई लार्क, सेकंड है टू द नाइट, थर्ड है ओ टू द बेस्ट विंड एंड फोर्थ है द क्लाउड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है टू ये स्काई लार्क। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु सैड अबाउट किड्स, किड्स वी गॉट टेंशन एंड टेंशन वी गॉट ऑल द रेस्ट। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना सेंटस बरी, सेकंड है ब्लैक बरी, थर्ड है व्हाइट बरी एंड फोर्थ है स्वीट बरी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या आंसर है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सेंट्स बरी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द रियल्स रियल्स ऑफ गोल्ड और कोर्सन। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ओ टू ऑटम, सेकंड है ऑन द फर्स्ट लुकिंग इन टू चॉपमन हमर, थर्ड है ओ टू ग्लेशियन यर्न एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बी यानी ऑन द फर्स्ट लुकिंग इन टू चॉपमन हमर। इसमें फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु कॉल किड्स ए ग्रीक, यानी कि किड्स को किसने ग्रीक कहा है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेले, सेकंड है वर्ड्सवर्थ, थर्ड है नॉन एंड फोर्थ है स्विनबर्न। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सेले। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नेम ऑफ यूलिसेसन, यानी यूलिसेस के पुत्र का क्या नाम था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने टेलीमेकस, सेकंड है टेलीफोन, थर्ड है टेलीहोम एंड फोर्थ है टेनीमेकस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर टेलीमेकस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीज लाइज द पोर्ट द वेसल्स पॉप्स हरसेल दिस लाइन ऑफ कोर्स इन। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रोस्पाइस, सेकंड है सोलिटरी रिपर, थर्ड है डॉबर बीच एंड फोर्थ है यूलिसिस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यूलिसिस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लुकिंग एज इफ सी बियर अलाइव दिस लाइन ऑफ कोर्स इन। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रोस्पाइस, सेकंड है माई लाफ डेड, थर्ड है डॉबर बीच एंड फोर्थ है यूलिसिस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है माई लाफ डेड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 523 नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज ए कीन आर्टिस्ट ए कीन स्कॉलर ही कुड पुट हिज फिंगर एन एनीथिंग एंड ही हैड द मेमोरी लाइक द ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी हु सेड। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने चार्सर, सेकंड है वर्ड, थर्ड है चेस्टरटन एंड फोर्थ है अर्नॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी यानी चेस्टरटन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि आई वाज इवर ए फाइटर्स टू वर फाइट मोर और क्वेश्चन। इसमें फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि आई वाज इवर ए फाइटर्स टू वन फाइट मोर और क्वेश्चन। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना है प्रोस्पाइस, सेकंड है डबल वी, थर्ड है यूलिसिस एंड फोर्थ है सोलिटरी रिवर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोस्पाइस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच पोएम स्टार्ट्स विद क्वेश्चनिंग। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यूलिसिस, सेकंड है डॉबर बीच, थर्ड है प्रियोजस एंड फोर्थ है प्रोस्पाइस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रोस्पाइस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि फॉर सडन द वेस्ट टर्न्स द वेस्ट टू द ब्रेव ऑफ कोर्स। यानी कि फॉर सडन द वेस्ट टर्न्स द वेस्ट टू द ब्रेव ऑफ कोर्स। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यूलिसिस, सेकंड है प्रोस्पाइस, थर्ड है सोलिटरी रिपर एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रोस्पाइस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बियर द ब्रंट मिनट पी ग्लैड लाइफ एरियर्स फॉल्स इन। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने क्रॉस पास, सेकंड है प्रियोडस, थर्ड है ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड फोर्थ है यूलिसिस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क्रॉस पास। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओ द सोल ऑफ माय सोल फॉल्स इन। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सेकंड है सोनेट नंबर 138, थर्ड है डबल रीच एंड फोर्थ है क्रॉस पास। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी यानी कि क्रॉस पास। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि 529 नंबर क्वेश्चन है, 529, 530 है, 531 एंड 532। तो फ्रेंड्स इस जैसा कि भी मैं थोड़ा कवर कर ले रहा हूँ उसे, तो फ्रेंड्स रुकिए एक मिनट एक सेकेंड के लिए यहाँ पर, तो फ्रेंड्स कवर हो गया। अब इसमें फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन था कि 529 नंबर कि सोफोक्लीज वा लॉन्ग एगो हियर्ड इट ऑन द एजियन फॉल्स इन। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डॉबर ब्रिज, सेकंड है माइल ऑफ डच, थर्ड है प्रियोरस एंड फोर्थ है यूलिसिस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डॉबर ब्रिज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन द सी ऑफ फेयर वॉज वंस फॉल्स इन। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सेकंड है सोलिटरी रिपर, थर्ड है डॉबर ब्रिज एंड फोर्थ है यूलिसिस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डॉबर ब्रिज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हूज फादर वॉज हेडमास्टर। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अर्नॉल्ड, सेकंड है ईट्स, थर्ड है टेंशन एंड फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अर्नॉल्ड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स ये पेज आ रहा है थोड़ा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु सेड पोएट्री इज नथिंग बट म्यूजिकल थॉट। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे कहीं व्यू पॉइंट में नोट कर लीजिए कि हु सेड पोएट्री इज नथिंग बट म्यूजिकल थॉट। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कार्लाइल, इसके बाद सेकंड है एलन पोप, थर्ड है मैकेले
मिकोले, इसके राइट फोर्थ है इमर्सन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आपन फ्रेंड्स को है तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है कार्लेले, यानी फ्रेंड्स क्या है कार्लेले। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम इमोशन कलेक्टिव इन ट्रैंक्वालिटी हुज स्टेटमेंट्स इज दिस, यानी पोएट्री के बारे में ये परिभाषा जो है या स्टेटमेंट्स है ये किसने दिया। तो इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेले, सेकंड है कीट्स, थर्ड है वर्ड्सवर्थ एंड फोर्थ है डंटन एंड डंटन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी यानी कि वर्ड्सवर्थ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इट इज द एथेथेसिस ऑफ साइंस हैविंग थॉट इट्स इमीडिएट ऑब्जेक्टिव प्लीज नॉट ट्रूथ हु सेड इट। इसका फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेले, सेकंड है कॉलरिज, थर्ड है अर्नॉल्ड एंड फोर्थ डॉयल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा था, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कॉलरिज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच ए क्रिटिज्म बाई द लॉ ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी हु सेड इट। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अर्नॉल्ड, सेकंड है कॉलरिज, थर्ड है सेले एंड फोर्थ है कॉर्डवेल। इसमें फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अर्नॉल्ड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 536, 537, 538। तो 536 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कौन सा है, तो फ्रेंड्स 536 नंबर क्वेश्चन है कि हु सेड पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड द हैपेस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैपेस्ट एंड द बेस्ट माइंड्स। तो फ्रेंड्स इसका जो फर्स्ट आपने कीट, सेकंड है सेले, थर्ड है टेंशन एंड फोर्थ है अर्नॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सेले। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है हु द ग्रेट सैटरिस्ट अमंग देम। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शेक्सपियर, सेकंड है मिल्टन, थर्ड है वर्ड्सवर्थ एंड फोर्थ है पोप। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पोप। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हीरोइक कपलेट इज, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सोनेट, सेकंड है बैलेड, थर्ड है सटायर एंड फोर्थ है ओड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी यानी कि सटायर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 539 नंबर क्वेश्चन है कि 539 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फ्रेंड्स 539 नंबर क्वेश्चन है कि एंशियंट मैरिनर इज, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बैलेड, सेकंड है सोनेट, थर्ड है सटायर एंड फोर्थ है एल्गी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए यानी कि बैलेट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इज मोनोलॉग इज डिफरेंट फ्रॉम सोलिलोक्वी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एस, सेकंड है नो, थर्ड है बॉट ऑन देम एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एपिक हैड, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है द आइडियल ऑफ यूनिटी, सेकंड है स्कैटर्ड यूनिटी, थर्ड है मैनी यूनिटाइल्स एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यानी कि द आइडियल ऑफ यूनिटी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि इपिक है, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अगेंस्ट, सेकंड है ओनली कॉमन मैन, थर्ड है सुपर नेचुरल अगेंस्ट एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सुपर नेचुरल अगेंस्ट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एन एपिक है, जिसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मोरल यानी नो मोरल लेसन, सेकंड है मोरल लेसन, थर्ड है नॉर्मल लेसन एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है यानी बी यानी कि मोरल लेसन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एन एपिक कॉन्टेंट्स, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन लॉफ्टी एपिसोड, सेकंड है थ्रिलिंग एपिसोड, थर्ड है सेट्रिक एपिसोड एंड फोर्थ ड्रामेटिक एपिसोड्स। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बी यानी कि थ्रिलिंग एपिसोड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्लिंडा इज ए कैरेक्टर इन, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पैराडाइज लॉस्ट, द सेकंड है द रेप ऑफ द लॉक, थर्ड है ऑन इज ब्लाइंडनेस एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर द रेप ऑफ द लॉक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए सॉन्ग, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ पोएम, सेकंड है ए लॉन्ग फॉर्म्स ऑफ पोएम, थर्ड है वेरी शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोएम्स एंड फोर्थ है वेरी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पोएम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है ए यानी कि ए शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ पोएम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 547 नंबर क्वेश्चन है कि चार्ल्स लैम इज राइटर ऑफ, इस फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन रोमांटिक एज, सेकंड है क्लासिकल एज, थर्ड है विक्टोरियन एज एंड फोर्थ है एलिजाबेथन एज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए यानी कि रोमांटिक एज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिचार्ड स्टिल्ली इज राइटर ऑफ, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पीरियोडिकल एज, सेकंड है विक्टोरियन एज, थर्ड है रोमांटिक एज एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पीरियोडिकल एज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि 549 नंबर का क्वेश्चन है कि मैथोप्रियर इज पोएट ऑफ, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डार्क एज, सेकंड है विक्टोरियन एज, थर्ड है क्लासिकल एज एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है
क्लासिकल है। जिसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जॉन क्लिफ इज नोन एज, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, सेकंड है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, थर्ड है मून ऑफ रिफॉर्मेशन एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 551 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग्स प्रेस इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्लासिकल एज, सेकंड है रेनेसेंस एज, थर्ड है रिफॉर्मेशन एज एंड फोर्थ है विक्टोरियन एज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रेनेसेंस एज, इसके बाद यानी कि बी ऑप्शन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जॉनसन वाज राइटर ऑफ, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्यूरिटेन एज, सेकंड है अगस्टन एज, थर्ड है एलिजाबेथन एज एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अगस्टन एज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गॉड इज इन हेवन, ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, हु रॉट दिस ट्रेज। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शेक्सपियर, सेकंड है ब्राउनिंग, थर्ड है मिल्टन एंड फोर्थ है सेले। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ब्राउनिंग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु इज ट्राइटन, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सीनियर सी गॉड, थर्ड है सेकंड है सी गॉड, थर्ड है माइनर सी गॉड एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है माइनर सी गॉड। एंड फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज ट्राइटन, तो फ्रेंड्स ट्राइटन इज ये माइनर सी गॉड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर अकर्स इन द पोएम, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑफ इज ब्रांडलेस, सेकंड है क्वीन मैप, थर्ड है डबल बीच एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डबल बीच। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइंस आर इन ये सोनेट, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड है 20, थर्ड है 14 एंड फोर्थ है 18। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी यानी कि 14। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पॉप इज ए पोएट ऑफ, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रोमांटिक एज, सेकंड है एलिजाबेथन एज, थर्ड है विक्टोरियन एज एंड फोर्थ है क्लासिकल एज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क्लासिकल एज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चासर बिलोंग्ड फ्रॉम, इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 16th सेंचुरी, सेकंड है 15th सेंचुरी, थर्ड है 14th सेंचुरी एंड फोर्थ है 13th सेंचुरी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 14th सेंचुरी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विलियम शेक्सपियर इज ए पोएट ऑफ, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एलिजाबेथन एज, सेकंड है विक्टोरियन एज, थर्ड है रोमांटिक एज एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एलिजाबेथन एज। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि द रोमांटिक एज स्टार्ट फ्रॉम, ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द रोमांटिक एज स्टार्ट फ्रॉम, जिसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1799, थर्ड है सेकंड है 1800, थर्ड है 1801 एंड फोर्थ है 1802। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1800। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु इज नॉन एज हेलनिक पोएट, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शेक्सपियर, सेकंड है कीट्स, थर्ड है सेले एंड फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जॉन कीट्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 562 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज पोएट ऑफ, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिमिज्म, सेकंड है पेसिमिज्म, थर्ड है बॉथ एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्टिमिज्म। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु इज नॉन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, सेकंड है थॉमस वेट, थर्ड है मैथोन पेरियर एंड फोर्थ है जोफ्री चाफर। तो फ्रेंड्स जोफ्री चाफर वाज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन द प्राइडस वाज, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नन, सेकंड है डॉक्टर, थर्ड है नर्स एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो जो प्रादस थी वो क्या थी? तो फ्रेंड्स एक नन थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोरस, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एलिजाबेथ, सेकंड है विक्टोरिया, थर्ड है एग्लेंटाइन एंड फोर्थ है एंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इंग्लैंड टाइम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि द प्रोरस वाज ट्रेंड इन, यानी फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि द प्रोरस वाज ट्रेंड इन, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चर्च मैनर, सेकंड है स्लीपिंग मैनर, थर्ड है टेबल मैनर एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स टेबल मैनर में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? तो अगला क्वेश्चन है कि वेयर शेक्सपियर वाज बॉर्न, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्टैमफोर्ड ऑन एवन, सेकंड है स्टेडफोर्ड ऑन एवन, थर्ड है जेम्सफोर्ड ऑन एवन एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी ऑफ, यानी कौन सा? तो फ्रेंड्स यानी कि स्टेडफोर्ड ऑन एवन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 568 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सोनेट्स रॉट्स बाई शेक्सपियर, यानी फ्रेंड्स कितने जो सोनेट थे जिसको शेक्सपियर जी ने लिखा था। तो फ्रेंड्स इसका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड्स कि हाउ मेनी सोनेट्स रिटन बाई शेक्सपियर। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 156, सेकंड है 155, थर्ड है 154 एंड फोर्थ है 153। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 154। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इन हिज लवर्स ऑल ट्रू टू ईच अदर्स इन सोनेट नंबर 138, यानी फ्रेंड्स का क्वेश्चन है कि
इज द लवर्स आर ट्रू टू ईच अदर्स इन सोनेट नंबर 138। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने एस, सेकंड है नो, थर्ड है ए एंड बी, बोथ एंड फोर्थ एंड नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नो यानी कि बी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि 571 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ यानी फ्रेंड्स सॉरी द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज एन स्टेट ऑफ। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने एसे ऑन मैन इफ स्टाइल्स फर्स्ट, सेकंड है एसे ऑन मैन इफ स्टाइल सेकंड, तो फ्रेंड्स ये एसे ऑन मैन इफ स्टाइल सेकंड से लिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ वाज, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने हाई प्रेस्ट ऑफ डिग्निटी सेकंड है हाई प्रेस्ट ऑफ वेल्थ थर्ड है हाई प्रेस्ट ऑफ नेचर एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर कौन सा है, तो वर्ड्सवर्थ वाज द हाई प्रेस्ट ऑफ नेचर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु इज प्रोटियस, इसके बाद इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने सी गॉड सेकंड है सी गॉड, थर्ड है सी फिश एंड फोर्थ है सी एनिमल्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी गॉड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द सन ऑफ यूलिसेस, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने फ्रांसिस सेकंड है जेकब जोनाथन थर्ड है टेलीमेकस एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि यूलिसेस के पुत्र का क्या नाम था, तो टेलीमेकस था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूलिसेस इज द लेजेंडरी हीरो ऑफ दी, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ट्रोजन वॉर सेकंड है वैली वॉर थर्ड है स्पेनिश अर्मडा एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ट्रोजन वॉर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूलिसेस वाज द किंग ऑफ, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है लंडन सेकंड है इथाका थर्ड है ब्रिटेन एंड फोर्थ है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तो फ्रेंड्स वो है इथाका। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि 577 578 एंड 579 नंबर। तो फ्रेंड्स 577 नंबर क्वेश्चन है कि इन प्रोस्पाइज द पोएट चैलेंजर्स टू, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने किंग सेकंड है डेथ सॉरी सेकंड है फ्रेंड थर्ड है डेथ एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी कि डेथ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पाइज, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने लुक आफ्टरवर्ड सेकंड है लुक फॉरवर्ड थर्ड है एंड बी बोथ एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पाइज, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है लुक फॉरवर्ड। इसके बाद फ्रेंड्स इस वीडियो को हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि स्वेप्ट विथ कंफ्यूज्ड ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट ऑकर्स इन द पोएम, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ऑफ हिज ब्लाइंड सेकंड है क्वीन मैप थर्ड है डबल बीच एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी यानी कि डबल हिज। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये जितने भी यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया 79 क्वेश्चन जो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में बताया आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर फ्रेंड्स आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले ग्रामर सेक्शन के वीडियो में। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।